आरबीएसई 12th के विज्ञान वर्ग में कॉपी जांचने में शिक्षा विभाग की लापरवाही। जो बच्चे 10वीं में ला रहे थे 90% अंक, उन्हें 12वीं में मिले हैं केवल 60% अंक। इससे पहले भी अंग्रेजी के पेपर में कम अंक देने की आई है शिकायत। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी एक तरफ कहते हैं कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आता है, और अब शिक्षा विभाग की लगातार शिकायतें मिलती आ रही है। कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी कि 12वीं में विज्ञान के अंग्रेजी के पेपर में बच्चों को केवल 40 से लेकर 48 तक के ही नंबर दिए गए हैं, और आज सुनने में आया कि जो बच्चे 10वीं में 90 से 80% अंक ला रहे थे उन्हें केवल 55 से 60% अंक ही मिले हैं, जो कि बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफी है। हाल देखिए विज्ञान वर्ग का, बच्चों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया है, बच्चों के साथ किस तरह से धोखा किया गया है, बच्चों पता नहीं किस पर कॉपी चेक कराई गई है। अभी बोर्ड में कक्षा 10वीं में जो बच्चा 100 में से 100 अंक लेके आ रहा है गणित विषय में, 100 में से 100 अंक लेके आ रहा है अंग्रेजी विषय में, 100 में से 96 अंक लेके आ रही है जो बच्ची भारती नाम की बच्ची है 96, और इस बच्ची का अभी राजस्थान बोर्ड की जो विज्ञान वर्ग की परीक्षा में है, इसका हाल देखिए क्या स्थिति इसकी की गई है। इसका रोल नंबर है 25 33 983, और अभी इस बच्ची के केमिस्ट्री में 22, फिजिक्स में 22 नंबर, 23 नंबर और 45 नंबर। जो बच्ची 100 में से 100 लेके आ रही है उसकी परसेंट 74.80 है। इसी तरह हाल है चंद्रभान नाम के बच्चे का, इसकी यही हाल इसका है। इसके जो 10वीं कक्षा में इस बच्चे की 85% है, और इस टाइम ये बच्चा बिल्कुल 60% तक सिमट गया। ऐसे ही अनिल चौधरी नाम का बच्चा है, अनिल चौधरी की 10वीं कक्षा में 90% है बोर्ड में, और इसमें 12वीं कक्षा में साइंस में 59% है। बच्चे के 10 नंबर हैं थ्योरी में, 32 नंबर हैं, 27 नंबर हैं। क्या अन्याय है इन बच्चों के साथ, क्या है ये प्रतिभा को किस तरह दबाया जा रहा है। ऐसे ही कक्षा 5वीं बोर्ड में कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है बोर्ड का और बच्चों का, 80 50 145 से 80 50 154 नंबर के एबसेंट बच्चों को दिखाया गया है, जबकि सारे बच्चों ने एग्जाम परीक्षा में बैठे हैं, सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है। इन बच्चों के साथ कितना घोर अन्याय हो रहा है, कि ये बच्चे आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। क्या यही हमारी राजस्थान की शिक्षा नीति है, क्या यही हमारे राजस्थान के स्कूली बच्चों के साथ न्याय है। अतः दोबारा इन बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, दोबारा कॉपी की जांच की जाए, और बच्चों के साथ न्याय हो, इससे बच्चों की हत्या होने से, बच्चे आत्महत्या करने से रोकें, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। जय हिंद।